और अभी मैं इसके अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं लवी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी पे पहुंच चुकी हूँ। और जो ये यूनिवर्सिटी है, ये इसकी मेन बिल्डिंग है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1805। सो प्रोबेबली ये 200 ईयर्स एगो यूनिवर्सिटी है और 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। उसमें अभी क्या है कि इसमें अभी तक इंडियन स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इसी ईयर दो स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो वो अभी पॉलिटेक्निकल कोर्स के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अब देखते हैं कि क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि किसी को यहाँ का पता नहीं था कि लवीव में और भी ऑप्शंस हैं नॉन मेडिकल के। सो ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निकल ही ऑप्शन है, आपके पास इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यूनिवर्सिटी को। सो गाइज, दीज आर द फर्स्ट टू इंडियन स्टूडेंट हियर हु स्टडीड इन लवी पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो योर नेम? सो माय नेम इज मोहम्मद। एंड योर? माय नेम इज कॉर्टनी घोष। सो हाउ इज योर स्टडी इज गोइंग ऑन हियर? सो आवर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। यू नो, व्हेन आई केम हियर देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च डूइंग अराउंड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड पीपल डोंट नो अबाउट दैट लवीव इज अ वेरी गुड सिटी इन यूक्रेन। सो आई थिंक इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन लवीव। ओके, सो डू यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनीथिंग? नो, आई डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज़ the support staff and the staff is very good, so okay. I don't face any problem. Okay, so did you want to say anything about your university, like you go inside and you also attend your classes? Yeah. So how was the class and yeah, how was the like studying, like they are studying and what kind of material? Yeah,
So talking about the education is very good, and also people, lot of people don't know about this university because our agency don't promote this country for polytechnic and management. So I want to tell people that come to Ukraine and this university, of course, because this is a very good university, yeah. A lot in kind of management, polytechnic and other things. And now in this year, this university come all over the world. It rank among the like 500 top 500 and also the Lviv Polytechnic University in the management sector, the yeah. seventh ranked university in this Ukraine. In this Ukraine, yeah. So it's very good, and the main point is like it is 200 year old. Yeah. Yes. So that's the big plus point here. And the cost of living and the cost structure is very low for the yeah. higher education. Yeah, it's like compared to the private university in India, it is very low budget. Affordable, yes, yeah. Very so okay, let's go inside and we will see the university. We could be more than nothing. Maybe we could have it all. जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये खुद ही आपको देख के पता लग रहा है कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी 200 ईयर्स अगो एस्टेब्लिश हुई है. और जितना प्यारा यहाँ का जो व्यू है, एक खुद ही एक म्यूजियम जैसा इन्होंने बना रखा है इसको. और यहाँ पे सभी प्रोफेसर्स, जो भी प्रोफेसर्स या फिर डीन यहाँ पे हैं, उन सभी की ईयर वाइज फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लगी हुई है उस साइड. एंड जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, और इसी के अंदर इसका डीन ऑफिस है, जो मेन डीन ऑफिस है. एंड देन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं. सो इट इज़ द मेन बिल्डिंग. सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बिल्डिंग. सो लेट्स सी दूसरी बिल्डिंग कैसी है यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज. So guys, these are the different departments building. So this one, as you can see, this one building is the main building. And जो ये सारी building है, like this one and this one, these are the different subjects building. और जैसे कि ये है, this one is academic building. So as you can see, it have board which is written like this is Lviv Polytechnic. बिल्डिंग नंबर वन, जो कि यहाँ की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में. जो मोस्टली सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं वो इसी में होती हैं. लाइक इफ़ यू आर परस्यूइंग द इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक, सो मेनली जो टेक्नोलॉजिकल क्लासेस होती हैं उन सब्जेक्ट्स की, वो इस बिल्डिंग के अंदर होती हैं. सो गाइज, इस वीडियो में अभी इतना ही. आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कि यूक्रेन में आप MBBS के अलावा और भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड जिसको भी लाइक इफ समबडी हैव क्वेरी रिगार्डिंग टू नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू ऑफकोर्स. और जितना मेरे को पता है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी. एंड keep supporting Flying Medico. Thank you so much for the watching, and bye bye.